अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू निशाल ब्यूटी चैनल। जैसा कि विंटर्स में स्किन बहुत ही ड्राई और रफ़ हो जाती है और स्किन को एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम डिफरेंट लोशंस और मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पैराबन फ्री बेस्ट लोशन के बारे में, जो कि है क्रीम 21 डीप रिलैक्स बॉडी लोशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी क्रीम 21 ब्रांड के बारे में, इस लोशन की पैकेजिंग, प्राइस, अवेलेबिलिटी, यूजेज और रिजल्ट के बारे में। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको क्रीम 21 ब्रांड के बारे में बताऊँगी। क्रीम 21 जर्मन ब्रांड है और इसकी शैम्पू, शावर जेल्स, क्लिनजर्स, लोशंस और क्रीम्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और इन तमाम प्रोडक्ट्स के बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी क्रीम 21 बॉडी लोशन की पैकेजिंग। इस लोशन की पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली और फुली हाइजीनिक है। ये 250 ml की प्लास्टिक बॉटल में मौजूद है, जिसका कलर है ऑरेंज और वाइट, और इसके ऊपर मौजूद है फ्लिप टॉप कैप, और इसकी बैग पर इसमें यूज़ किए गए तमाम इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, जिसमें एक्वा सीड ऑयल, परफ्यूम, सिट्रिक एसिड और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, और इसकी बॉटम पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। और इस लोशन को जर्मनी में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है और इस लोशन की शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रीम 21 डीप रिलैक्स बॉडी लोशन की प्राइस। इस लोशन की प्राइस है 350 रुपीज़। मैंने इसको मार्केट से बाय की है। आप इसको मार्केट से daraz.pk या saloni.pk से भी बाय कर सकते हैं और फॉरनर्स इसे अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी क्रीम 21 बॉडी लोशन के बारे में। इस लोशन का केयरिंग वार्म फ्रेग्रेंस स्किन को टेम्पटिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ फीलिंग देता है, और क्रीम 21 बॉडी लोशन स्किन को मुकम्मल प्रोटेक्ट करता है और स्किन को स्मूथ, सपल और जेंटल बनाता है। और ये लोशन डर्माटोलॉजिकली अप्रूव्ड है और इसमें मिनरल ऑयल भी यूज़ किए जाते हैं, और ये लोशन पैराबन फ्री है। और क्रीम 21 डीप रिलैक्स बॉडी लोशन स्किन की डेली केयर के लिए एक हाई क्वालिटी मॉइस्चराइजिंग लोशन है, और इसका लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट स्किन की केयर करता है और स्किन को मुकम्मल प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्रीम 21 बॉडी लोशन को यूज़ कैसे करेंगे। इस लोशन की नॉर्मल क्वान्टिटी स्किन पर अप्लाई करेंगे। इस लोशन को डेली आपने अपनी स्किन पर 2 या 3 बार अप्लाई करना है, क्योंकि विंटर्स में स्किन बहुत ही ड्राई और रफ़ हो जाती है, तो आप इस लोशन को दिन में 2 या 3 बार भी अपनी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोशन हर स्किन टाइप के लिए डर्माटोलॉजिकली अप्रूव्ड है। नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इस लोशन का फार्मूला नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस लोशन की कंसिस्टेंसी और टेक्स्चर। इस लोशन का कलर है वाइट और इसकी कंसिस्टेंसी थिक है और इसका टेक्स्चर क्रीमी है और इसकी फ्रेग्रेंस प्लेजेंट है। इसको स्किन पर अप्लाई करने के बाद इस लोशन का हल्का सा मसाज करेंगे। इस लोशन का हल्का सा मसाज करने के बाद ये स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और स्किन को हाइड्रेट, नरिश और मॉइस्चराइज करती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस लोशन के बारे में अपना एक्सपीरियंस। मैं खुद भी इस लोशन को यूज़ करती हूँ, इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। ये नॉन ग्रीसी लोशन है और स्किन पर अप्लाई करते ही फ्यू सेकेंड्स में ही ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और नेचुरली ड्राई स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ, नरिश और हाइड्रेट करती है। और इसको अप्लाई करने के बाद ज़रा भी स्किन हैवी फील नहीं करती, बिल्कुल लाइट और रिफ्रेशिंग फीलिंग देती है। मुझे तो ये लोशन बहुत ही अच्छी लगती है, मैं इसको विंटर्स में ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और ये स्किन को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है। ओवरऑल इस लोशन के रिव्यू की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग, प्राइस, अवेलेबिलिटी, यूजेज और रिजल्ट सब बेस्ट है। अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें प्रो विटामिन B5 मौजूद है। विंटर्स के लिए बेस्ट पैराबन फ्री लोशन है। इसको मुसलसल यूज़ करने से स्किन नेचुरली सूथ और सॉफ्ट हो जाती है, और ये डल और रफ स्किन को रिपेयर करके हाइड्रेट और नरिश करती है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस लोशन को विंटर्स में एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको इस लोशन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है और विंटर्स में स्किन केयर के लिए बेस्ट लोशन है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस लोशन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बेस्ट लोशन है। तो मार्केट में ये लोशन इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी हो तो आप इसे बाय करें, यूज़ करें और मुझे अपना फीडबैक दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।